स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली का आज कहानी हम लोग सुनेंगे। कौन है डॉली भाई? कोई होगी, मतलब ये भेड़ वगैरह होगी, भेड़ है, भेड़ सीप है, ठीक है। तो ये कहानी चल रहा है 2000 के करीब का, 2000 के करीब का, 2000। एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर आयन विल्मट। वो 276 बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, 276 टाइम्स, और वो हर बार हार चुके होते हैं, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन जब वो 277वां बार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, देन उन्हें सक्सेस मिल जाता है। सक्सेस उन्हें मिलता है 1996 में, 1996 में, और ये बात पब्लिश होता है 1997 में, 1997 में। साइंस का मैगजीन आता है, जो जो चीज़ रिसर्च हुआ रहता है वो मैगजीन पर लिखा रहता है, मैगजीन में लिखा हुआ रहता है। तो वो मैगजीन में ना एक गजब स्टेटमेंट लिखा हुआ था। क्या था स्टेटमेंट? नेचर कॉज ए फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, नेचर कॉज फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। ये आश्चर्य हो गया साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्या हुआ भाई? ये दिन था 27 फेब 1997, जिस दिन ये आर्टिकल रिलीज हुआ। सब जगह के वैज्ञानिक सब, जो साइंटिस्ट सब थे, सब चकमे में आ गए, ये क्या हो गया, नेचर कॉज फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, ये टाइटल लिखा हुआ था। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि एक फीमेल शिप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया। क्या किया गया, पहले ध्यान से सुनिए, पूरा मैं डिटेल्स में आपको लिखवा दूंगा। फीमेल शिप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया, कोई भी एक फीमेल शिप थी उसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया। उसके बाद एक दूसरा फीमेल शिप के बॉडी से, ओवरीज से ओवम निकाल लिया गया। क्या मैं बताया आपको, एक फीमेल शिप के बॉडी से ओवम निकाला गया और एक फीमेल शिप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला गया, क्लियर है। उसके बाद क्या किया गया कि ओवम का न्यूक्लियस निकाल दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या चीज का बना होता है, क्या चीज रखता है क्रोमैटिन? डीएनए रखता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, तो ओवम से तो डीएनए निकल चुका है, देन वो शिप का कैरेक्टर इसमें नहीं आता है। उसमें किया क्या जाता है कि वो जो मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाला गया था, उस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, किसमें, ओवम में। उसके बाद ओवम को एक शिप में डालकर फिर से फर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइज तो वो हो ही जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है इम्ब्रियो को, ठीक है, इम्ब्रियो को ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद एक पूरे बेबी शिप तैयार हो जाती है, एक भेड़ तैयार हो जाती है, छोटी सी भेड़। उसके बाद ये भेड़ कुछ बच्चा भी जन्म देती है, एकदम फिट रूप से, मतलब आराम से कुछ बच्चे जन्म देती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये भेड़ मर गई 14 फेब को 2003 ये भेड़ मर गई। 14 फेब को कुछ है क्या? हाँ कुछ होगा, ठीक है। तो उस दिन ये मर गई भेड़, कुछ डिजीज हो गया था इस भेड़ में इसी कारण से। उसके बाद सब साइंटिस्ट एकदम शॉक हो गया, भाई ये क्या हो गया भाई, मतलब मेल स्पर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा भेड़ तैयार करने में, मेल स्पर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा, फीमेल से फीमेल बच्चा तैयार। ये बोलिए क्या हो गया भाई, वो फीमेल से अपना बच्चा भी पैदा की एकदम सक्सेसफुली। इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है, बट ये भेड़ 2003 में मर गई 14 फेब को। ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहा था स्कॉटलैंड में,
एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आयन विल्मट के कुछ कॉलेजियस के साथ चल रहा था ये स्टोरी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये सब चीज ह्यूमन बींग के केस पर अप्लाई करके देखा, बट उनको कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हाथ लगा, वो हार गए, मतलब कुछ मिला ही नहीं, देन हार मान लिया। बट रिसर्च कंटिन्यू है, ह्यूमन बींग पर ट्राई किया गया, सब एनिमल्स पर ट्राई किया गया, बट उस बच्चे में कुछ बीमारी आ जाता। बच्चे में क्या होता है, कुछ बीमारी आ जाता है, एबनॉर्मलिटीज, या बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो यही था स्टोरी डॉली का।